जी आइए। हेलो, हेलो, मैं एडवोकेट आनंद कुमार हूँ। क्या आप ही मिस्टर शशि भूषण हैं? जी हाँ, आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या बात? दरअसल मैं आपकी वाइफ करुणा जी से मिलने आया हूँ। मैं उनके चाचा पीतम्बर दास जी का वकील हूँ। पीतम्बर दास जी करुणा जी के मदर फादर के मरने से पहले सिंगापुर में सेटल हो गए। उन्होंने वहाँ खूब रुपया पैसा कमाया। उन्होंने अपनी तमाम जायदाद करुणा जी के नाम कर दी है। ये मेरा कार्ड है, आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ और करुणा जी को साथ में लेकर आप मेरे ऑफिस आ जाइए। शशि साहब, आप बहुत खुशनसीब हैं। पीतम्बर दास जी आप लोगों के लिए 40 लाख रुपया छोड़कर मरे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जी, अपने सर्टिफिकेट के साथ आप मेरे ऑफिस में आइए। भैया क्या सोच रहे हो? अरे भैया, लक्ष्मी चलकर हमारे दरवाजे आ रही है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन करुणा तो मर चुकी है, मैं किसे ले जाऊंगा वहां? ये लक्ष्मी हमारे भाग्य में नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपका और करुणा भाभी का मैरिज सर्टिफिकेट तो है ना। अरे योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। हेलो, कौन? हाँ मिस्टर शर्मा, मैं अजंता कुरियर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे यहाँ आपका एक लेटर आया है। हाँ प्लीज़, आप अपने घर का एड्रेस समझाएंगे? हाँ एक मिनट। हाँ जस्ट, हाँ सर, जूना खान, 16वां रास्ता, अंबेडकर चौक के सामने। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सुधीर सर, ये 3 लेटर्स सर, पहले खार में डिलीवर करना, उसके बाद बांद्रा चले जाना। जी सर। ठीक है। जी सर। और ये रहा एड्रेस। जी सर। अच्छा सुनो। जी सर। तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? सर पहले से बेहतर है सर। डॉक्टर ने क्या कहा, कोई खास बात है? डॉक्टर कहते हैं कि सर कुछ टेस्ट और करवाने पड़ेंगे। तो करवा क्यों नहीं लेते भाई? सर आपकी जो सैलरी मिलेगी उसी से करवाऊंगा, और आप तो जानते हैं सर, महीना ख़त्म होने से पहले मेरी सैलरी ख़त्म हो जाती है सर। ठीक है, कितने पैसे चाहिए सर? अरे बोलो बोलो बोलो, कितने चाहिए? सर कुछ 1-1.5 हज़ार रुपये और लगेंगे सर। ये रख लो, मैं तुम्हारी सैलरी में एडजस्ट कर लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर इस दुनिया में सर मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं है सर, और सर आप ही की मेहरबानी और दया से मैं अपनी माँ का इलाज करा पा रहा हूँ सर। सर थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, बस अब जल्दी जाओ और ये लेटर डिलीवर करके आओ। जी सर। अरे भाई साहब, ये अंबेडकर रोड किधर है? एक मिनट भाई साहब, मैं भूल जाऊंगा। एक मिनट, अंबेडकर रोड। अंबेडकर वो क्या है ना, वो थोड़ा लेफ्ट जाओ, थोड़ा राइट जाओ, थोड़ा लेफ्ट जाओ, थोड़ा लेफ्ट।
छोड़ दे, नहीं तो तेरी खाली बोली छापी है साले, छोड़ दे साले, पाठक बॉडी की तलाशी ले ली? जी सर, ये कोई सुधीर है, अजंता कुरियर में काम करता था। अच्छा, उस लड़की का पता चला जिसने कत्ल की इन्फॉर्मेशन दी थी? जी हाँ, फोन किया था, बताया था कि किसी टपोरी लड़के ने सुधीर को मारा। पाठक, मुझे ये मामला लूटपाट का लगता है। जी सर। तुम एक काम करो, बॉडी का पंचनामा करा के इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। कुसुम? यस मैम, पहले इन पेपर्स को टाइप कर दो। ओके मैम। अर्जेंट है। ओके। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा। कैसी गुड मॉर्निंग? मॉर्निंग तो कब की हो गई? नून कहो कोमल। सॉरी मैडम, वो थोड़ा लेट हो गई, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। इट्स ऑल राइट। वैसे तुम्हारे लिए एक टाइपिंग का कॉल था, तुम नहीं थी तो मैंने शांति को भेज दिया। नाउ डू योर जॉब। ओके मैडम। अजय, उस कोरियर सर्विस कंपनी के मैनेजर ने मुझे बताया है कि जिस दिन उस लड़के का कत्ल हुआ उसी दिन उसने उसे उसकी मां के इलाज के लिए 1000 रुपए दिए थे। सर, मुझे तो उस कोरियर बॉय की हत्या एक लूटपाट का मामला लगता है, क्योंकि सर इस इलाके में कई ऐसे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए महज चंद रुपयों के लिए किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तुम इस इलाके में ऐसे लोगों पर नजर रखो। सर, मैंने इस इलाके के कई चर्चियों को पकड़ा था, लेकिन सर हमारे हाथ अभी तक वो लड़की नहीं लगी है जो कातिल की शिनाख्त कर सके। एक काम करो, तुम उसके रिश्तेदारों को खबर कर दो। सर, उस कुरियर बॉय की एक माँ है जो बीमार रहती है, ये उसका इकलौता बेटा था, और हाँ सर, वो खार रोड में एक चौल में रहती है। ठीक है, तुम देख लो क्या करना। सर, कोमल, कोमल, क्या बात है बेटा? हाँ, कब से देख रही हूं मैं, जब से तुम ऑफिस से आई हो बहुत परेशान से दिख रही हो। क्या बात है बेटा, देखो रात को 2 बजने को आए और सोने के बजाय तुम जाग रही हो। नहीं माँ,
बस नींद नहीं आ रही थी। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। बताओ बेटा, बात क्या है, बता दो मुझे, बोलो। माँ, आज जब मैं ऑफिस जा रही थी, पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं अपना रोज का रास्ता छोड़ शॉर्टकट लेने के लिए दूसरा रास्ता अपना लिया मैंने। वहां माइकल स्ट्रीट पर मैंने देखा एक टपोरी कुछ छीन रहा था किसी से, और उनकी छीना झपटी में उसने उसे छुरा भोंक दिया। मैं बहुत डर गई माँ। मैंने देखा वहां पुलिस भी आ गई थी। उस कत्ल के चश्मदीद गवाह बना देते वो मुझे। मैं डर के मारे भाग गई वहां से। बेटा, तूने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। इंसान अगर एक बार कोर्ट और पुलिस के चक्कर में फंस जाए ना, तो वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बेटा, अब ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दे और जा, जाकर आराम से सो जा। जा बेटा। हाँ माँ, तुम जाके सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। ठीक है बेटा। क्या बात है कुसुम, आज तुम लंच पे नहीं गई? नहीं मैडम, आज मैं घर से ही हैवी ब्रेकफास्ट करके आई थी। हाँ कोमल। हाँ जी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या बात है मैडम? आज तुम्हारे लिए टाइपिंग के लिए कॉल थी और सीधा तुम्हारा ही नाम पूछा। वो क्या है, उन्हें शायद एक किताब टाइप करवानी है और बिल में लिखा है कि वो पढ़ती जाएंगी और तुम टाइप करती जाना। ठीक है, पर उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? वो मुझे क्या पता, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ अपना काम शुरू कर दो। वो क्लाइंट अकेली रहती हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वो किसी काम से बाहर जाएंगी तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला रख कर जाएंगी, तुम जाकर बैठ जाना। ये काम करीब एक हफ्ते का है। वो क्या है, हमारी क्लाइंट अंधी है और ये किताब कंप्लीट करना चाहती हैं, इसीलिए वो तुम्हें बुलाकर वहाँ पास में कंप्लीट करना चाहती है। ठीक है मैडम, मैं चली जाती हूँ। थैंक यू। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ। प्रदीप, देखो अगर तुम यहाँ मुझे दोबारा परेशान करने आए ना, तो अच्छा नहीं होगा। मैं क्या कर बैठूंगी मुझे खुद भी नहीं मालूम। चले जाओ यहाँ से प्रदीप, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। दे दो काका, पापा बोला दो। हाँ बेटा, देता हूँ। ले जाओ। बहन जी, ये प्रदीप जी आपको खामखा परेशान करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों दीनू काका, कितनी बार मैंने ऐसे गुस्सा करके समझाया कि मेरे घर मत आओ, पर ये मानता ही नहीं। दीनू काका, मैं आपका गोला दो। आया बेटा आया। तुझे क्या चाहिए बेटा? गोला चाहिए, जो खाए मेरे गोले तोते के जैसे बोले। बहरोज विला, यही तो कहा था मैडम ने।
देखिए दरवाजा तो खुला है। मिस भार्गव, मिस भार्गव, मिस भार्गव। तोते के जैसे बोले जो खाए मेरे गोले, तोते के जैसे बोले जो खाए मेरे गोले, ए तोते के जैसे बोले, आ हा हा, जो ऐसे खाए गोला वो तोते के जैसे बोला। मिस भार्गव, मिस भार्गव, सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, गाड़ी के पास बैठिए, मैं देखता हूँ। आइए 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 आइए, कौन है? मैं दीनू शरबत वाला। क्या बात है? बहन जी आगे लाश पड़ी है। क्या? जी हाँ बहन जी, अभी एक लड़की इस कमरे से घबराकर बाहर भाग कर गई है। वो बाहर ही है, उसने मुझे बताया कि कमरे में लाश पड़ी है। बहन जी आप रुकिए, मैं पुलिस को फोन करके आता हूं। घबराइए मत, पुलिस को हमने फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। हाँ हम तब तक आपको पानी देते हैं पीने के लिए। नहीं नहीं आप घर नहीं जा सकती हैं जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी यहाँ पे। लीजिए लीजिए, पुलिस आएगी बयान लेगी फिर आप चले जाइएगा। हाँ लीजिए, पुलिस आती ही होगी अभी। घबराइए मत, अरे आप क्यों घबरा रही हैं? खून आपने थोड़ी ना किया है, आप क्यों घबरा रही हैं? मुझे घर, आप घर नहीं जा सकती हैं आप। देखिए पुलिस आ गई। अरे ये तो वही लड़की लगती है। कौन है? साहब वो गली में जो कुरियर का मर्डर हुआ था ना, ये वही थी, इसी ने शोर मचाया था और वहां से भाग गई थी, और आज यहां भी है। इसे रोके रखो, जाने मत दो, जाने मत देना। साहब साहब हमने ही आपको फोन किया था। साहब साहब ये हमारी गाड़ी है। साहब हमारा नाम दीनू है। साहब हम बच्चों को बर्फ के गोले दे रहे थे, तभी ये लड़की अंदर से भागती हुई आई। साहब इसी ने हमको बताया कि अंदर लाश पड़ी है। तो ये तुम्हारा घर है? नहीं साहब, मैं तो DTP कंप्यूटर सेंटर पे काम करती हूँ, जहां से हमें टाइपिंग के लिए भेजा जाता है। मुझे तो मेरे बॉस ने यहाँ पर कोई किताब कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए भेजा था। मेरी बॉस ने मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम साहब। लेकिन ये मकान तो संधी लड़की का है। हजार लड़की को अंदर ले आओ। चलिए दीनू तुम यहीं खड़े रहो। ठीक है साहब। कौन कौन है? मैं इंस्पेक्टर पाठक। इंस्पेक्टर साहब मैं अभी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक एक लड़की मुझसे टकराई, और शायद वो मेरे कमरे से निकलकर भाग रही थी सर। वो लड़की मैं थी। आपका नाम? सर मैं शांति भार्गव हूँ, आप आइए मेरे साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब,
शांति जी, ये जो लाश पड़ी है उससे आपका कोई रिश्ता? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं जानती। अभी आधे घंटे पहले मैं यहाँ से गई थी, पर उस वक्त यहाँ कोई नहीं था सर। ठीक है, हाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, मैं इंस्पेक्टर पाठक, भरोज बिल्ला। हेलो सर, इंस्पेक्टर पाठक, नेहरू नगर के एक मकान से। सर इस वक्त मेरे सामने एक लाश पड़ी है और एक लड़की है जिसपे मुझे कातिल होने का शक है। एक काम करो, उस जगह का एड्रेस दो मुझे। भरोज विला, नेहरू नगर। सर घर के सामने एक शरबत वाले का ठेला है, वो भी इस मामले का गवाह है। ठीक है, तो वही रुको, मैं आता हूँ। ओके सर। सर यही है वो शरबत वाला। नमस्ते साहब। ये हमारे एसीपी साहब हैं। साहब हमारा नाम दीनू है साहब, हमने ही पुलिस को फोन किया था। साहब अंदर एक लाश पड़ी है। देखो अंदर जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए सर। ये जो लड़की यहाँ रहती है कैसी है? साहब आंखों से देख नहीं सकती है बेचारी, फिर भी अपना सारा काम कर लेती है। यही पास में अंधों का स्कूल है, वही पढ़ाती है, बहुत अच्छी है साहब। ठीक है, अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो तुमसे बाद में बात करेंगे। अच्छा साहब। कम आज सर लाश अंदर। सर ये शांति जी हैं और ये यहीं रहती हैं। देखिए जब मैं घर छोड़कर गई थी तो यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन शायद मेरे घर छोड़ने के बाद ही लड़की यहाँ आई हो और फिर भागने की कोशिश कर रही थी और मुझसे टकरा गई सर। मैं, मेरा इस लाश से कोई लेना देना नहीं है सर। मैं तो इनके कहने पर आई थी यहाँ, इन्होंने कॉल किया था टाइपिंग के लिए। नहीं सर, मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया। नहीं सर, यहीं से फोन आया था, मेरे बॉस से पूछ लीजिए आप। नहीं सर, ना ही मेरे घर में फोन है और ना ही मुझे फोन की जरूरत है। सर थोड़े दिन पहले एक मर्डर हुआ था, वहां भी ये थी और आज यहाँ भी। इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ना तो मेरा इस लाश से कोई लेना देना है ना उससे कुछ था। आप चाहें तो मेरे ऑफिस फोन कर लीजिए, मुझे यहां भेजा गया है। देखिए मैडम, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो यहां के हालात हैं, आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर टेक इन कस्टडी। चलो। नहीं सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर। अजय जरा इस लाश की तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब साहब ने बोला है। मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो। सर इसके वॉलेट में तो सिंगापुर करेंसी है। सर इस शख्स का नाम राजन नायर है, ये सिंगापुर में न्यू लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। जस्ट गिव मी द कार्ड। देखिए सर। अरे एक काम करो, सिंगापुर पुलिस को फोन करके इस आदमी की डिटेल्स पता कर लो। सर टेक द कार्ड प्लीज। सर
हेलो सर, डॉक्टर राधा हियर। सर, राजन नायर की पोस्टमार्टम ने तो सारी कहानी बदल कर रख दी है। मैं समझा नहीं डॉक्टर राधा। सर, उन्हें मरने के बाद चाकू से मारा गया था। क्या? जी हाँ, नायर को चाकू मारने से पहले जहर दिया गया था। उनकी मौत जहर के कारण हुई है। थैंक्स डॉक्टर राधा, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। यस सर। हाँ अजय, अजय जितनी जल्दी हो सके तुम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। कोई खास बात सर? अजय की इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगा। सर, मेरे पास भी एक खास खबर है, मैं भी आपको वहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वहां पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। सर, क्या बात है सर? अजय राजन नायर की मौत चाकू के घाव से नहीं, उसे जहर दिया गया था। सर, जिस लड़की को हमने पकड़ा है, मुझे नहीं लगता वो सबको जगह लेकर सकती है। सोचिए ना सर, पहले किसी को जहर देना, फिर उसके बाद उसी की डेड बॉडी पर चाकू से वार करना और फिर उसकी बॉडी को ले जाकर किसी के घर पर रखना। तुम्हारी क्या खबर? सर, मेरे पास न्यूज़ है कि राजन नायर जो है वो असली में राजन नायर नहीं है। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि सर, मैंने सिंगापुर में पता लगवाया है, वहाँ पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। और हाँ, उसके पास से जो कार्ड मिला था उसमें एड्रेस गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम मरने वाले की शक्ल तक नहीं पहचानते। उसकी फोटो हमें मीडिया में देनी पड़ेगी। चलो इंस्पेक्टर पाठक से बात करते हैं। सर, इंस्पेक्टर पाठक, उस लड़की को छोड़ दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? 3-4 दिन पहले जिस कुरियर बॉय का कत्ल हुआ, उस लड़की ने उस मर्डर को अपनी आंखों से देखा है। मैं बात कर लूंगा। ओके ओके सर, प्लीज मैडम। मैं बेकसूर हूँ सर, मेरी माँ घर पे अकेली है, उसे अगर पता चल गया। मिस कोमल, इंस्पेक्टर पाठक ने हमें बताया है कि कोरियर वाले का कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा था। जी जी, वो देखिए मिस कोमल, ये कत्ल का मामला है, अगर एक बार तुम इसमें उलझ गई ना तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। साहब, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ साहब, सर पे बाप का साया भी नहीं है, ना ही कोई भाई है, बस मैं और मेरी माँ। उस दिन मैं उस गली से गुजर रही थी तो मैंने वो कत्ल देखा था, मगर मैं अगर उसके बारे में आपको बता दूं तो वो गुंडे और उसके साथ ही मेरी माँ के पीछे पड़ जाएंगे। सर, हम तो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। साहब, अगर आप इस बात का वादा करते हैं मुझसे तो मैं आपको उस खूनी तक पहुंचा सकती हूँ। क्या मतलब? क्या तुम उसे जानती हो? इसी पुलिस थाने में, बगल वाले लॉकअप में है सर। देखो मिस कोमल, मैं तुम्हें अपने भरोसे पर छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुमने झूठ बोलने की या हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मेरा नाम एसीपी विजय है, समझी? अरे, इसकी सुरक्षा का इंतजाम करना। सर, वो आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। साहब, मुझे पर भरोसा, मैं कुछ नहीं जानता साहब। अच्छा बता, तुमने उस कोरियर वाले का मर्डर क्यों किया था? सब कौन सा कुरियर वाला साहब, मैं किसी कुरियर वाले को नहीं जानता साहब। देख, सच से बता दे, जब तूने उसके चाकू मारा था ना तो एक लड़की ने तुम्हें देख लिया था, अब वो तुम्हारी विटनेस है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम फांसी पर चढ़ जाओगे। बता साहब, मुझे एक आदमी मिला था साहब, उसने मुझे 1,000 का नोट दिया और बोला कि इधर से एक कुरियर वाला आएगा तो तुम उसका बैग छीनकर भाग जाने का। कौन था वो आदमी? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो इधर का ही लगता है, मॉर्निंग वॉक की ड्रेस में था साहब। साहब, मैं नशे का आदि हूं, इसलिए मैं 1,000 की लालच में आ गया साहब। साहब, मैं कुरियर वाले को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसका बैग हमने छीना तो वो चिल्लाया, तो मैं डर के मारे उसके पेट में चाकू घोंप दिया साहब। ओ
अगर तुम उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ साहब मैं पहचान लूंगा, लेकिन साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज साहब, बचा लो। देखो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे तुम? सर 1000 रुपया देकर कुछ कुरियर वाले का बैग छीनने को क्यों कहेगा? इंस्पेक्टर पाठक यही न्यूज तो इस बात को बहुत बड़ा बना देती है। तुम एक काम करो, राजन नायर की फोटोग्राफ सारे अखबारों में छुपा दो। ओके जी सर। अच्छा मैडम, तो घबराने का नहीं, आपके घर के बाहर पुलिस सादी वर्दी में रहेगी क्या? ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। बेटा तो पुलिस के साथ ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? माँ मैं क्या करूं, उस दिन तो मैं किसी तरह पुलिस वालों से भाग निकली थी मगर आज फंस गई। पता नहीं किसने उस आदमी की लाश को उस अंधी लड़की के घर छोड़ दिया। पर कौन था वो आदमी? सिंगापुर की न्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट था, राजन नायर नाम है उसका। क्या हाँ साहब, वो लड़का सुधीर जब यहां से निकला तो उसके पास 3 पैकेट थे, एक में कुछ मेडिसिंस थे और 2 पैकेट में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। क्या वो तीनों का एड्रेस मुझे दे सकते हैं? हाँ साहब, बल्कि मैंने तो उस दिन उन तीनों को फोन भी किया था कि हमारा डिलीवरी वाला बॉय आ रहा है, अभी देता हूँ सर। ये रहा सर। थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम सर। इंस्पेक्टर अजय, उस कुरियर वाले से एक बात पता चली है कि एक डॉक्यूमेंट सिंगापुर से आया था, लेकिन उसे भेजने वाले का नाम राजन नायर नहीं था। सर हो सकता है कि राजन नायर ने अपना नाम गलत बताया हो, क्योंकि जब एक आदमी अपनी कंपनी का नाम गलत दे सकता है तो अपना नाम भी बदल सकता है। हाँ जी, ये बात तुमने बड़े पते की कही। अब हमें उस राजन नायर नाम के आदमी का असली पता ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। साहब आपसे मिलने कोई लेडी आई है साहब, उसे अंदर भेजो।